साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अभी मैं आया हूँ धर्मशाला के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाऊँगा मेकलोटगंज। जो यहाँ पर शहर है वो मेकलोटगंज है, वो तिब्बती शरणार्थियों ने 1969 के बाद यहाँ पर विस्थापित होने के बाद उन्होंने यहाँ पर ये शहर बसाया था और उसके पश्चात और उस दौरान यहाँ पर आए थे वो तिब्बत से जो तिब्बती धर्मगुरु है दलाई लामा, वो भी यहीं की जो मेकलोटगंज है वहीं रहते हैं। और यहाँ से जो रास्ता है ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से दूरी होगी तकरीबन 4 किलोमीटर और उस साइड से जाएंगे तो दूरी होगी 10 किलोमीटर। तो मैं अभी आपको लेकर चलूँगा उस पे मेकलोटगंज की तरफ है और दिखाऊंगा वहाँ का दृश्य जहाँ पर दलाई लामा का मंदिर है और वहीं पर दलाई लामा है वो रहते हैं। तो ये सब नज़ारा है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैं अभी यहाँ से 4 किलोमीटर वाले रास्ते से पैदल ही चला जाऊँगा ऊपर की तरफ, क्योंकि आते वक्त थोड़ी दिक्कत रहती है आने के दौरान। तो आते वक्त टैक्सी या बस चलाऊँगा और यहाँ से जाएंगे हम पैदल, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं देखने लायक वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों ये नज़ारा आप देख रहे हैं धर्मशाला और मेकलोटगंज के बीच का नज़ारा है। ये इधर की तरफ है, ऊपर है वो बिल्डिंग्स बने हुए हैं और इधर ये पहाड़ी जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर घर बने हुए हैं ऊपर तक और सबसे ऊपर यहाँ पर एक है फॉरेस्ट वालों के लिए बना हुआ बिल्डिंग है इस चोटी के ऊपर। तो बताते हैं वो करीब वहाँ पर जाने का रास्ता है वो तकरीबन 14 किलोमीटर और पैदल जाएंगे तो तकरीबन 4-5 घंटे का रास्ता है और गाड़ियाँ वाड़ियाँ वहाँ जाती नहीं हैं। इधर का ये जो इधर देख रहे हैं आप ये नज़ारा है वो धर्मशाला जो शहर है ये है और ये इधर वाला रास्ता है वो जाहिर है उधर मेकलोटगंज की तरफ। बहुत ही खूबसूरत शहर है और इधर से ये इधर की बिल्डिंग है वो सारी धर्मशाला की है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ दलाई लामा मंदिर के करीब में और अब आपको लेकर चलूँगा मंदिर के अंदर और दिखाऊँगा वहाँ का नज़ारा कैसा क्या कुछ है। और ये इधर मुख्य प्रवेश द्वार है, ये देख सकते हैं आप और यहाँ पर लिखा है एक सेन छोलिंग बुद्ध विहार नाम लिखा है और इसी के अंदर से मंदिर परिसर की तरफ जाएंगे ऊपर की ओर। ये नज़ारा आप देख रहे हैं मंदिर परिसर से और यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो संत लोग हैं महात्मा लोग हैं वो यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं और यहाँ पर जो ये बैठे हैं ये जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं वो लोग बैठे हैं और इधर ये आपको देख रहे हैं बौद्ध धर्म के जो संत लोग हैं महात्मा लोग हैं वो बैठे हैं। और बहुत ही खूबसूरत स्थान है, एकदम पहाड़ी के ऊपर तकरीबन होगा 10-15 किलोमीटर ऊँचा ये इलाका। और यहाँ से अभी मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ जो दलाई लामा की मूर्ति है तिब्बती धर्मगुरु की, उस मूर्ति के दर्शन अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर अक्सर सबसे ज़्यादा जो दर्शनार्थी है वो यहाँ पर बुद्धिस्ट नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ से तिब्बत से भी आए हुए लोग हैं और मेकलोटगंज या फिर धर्मशाला के वहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो नेपाल से भी यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमने कुछ एक को पूछा था वो बता रहे कि हम नेपाल से आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नज़ारा है और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मेकलोटगंज के ऊपर जैसा पहाड़ के ऊपर से ये मेकलोटगंज, बाकी जो सारा का सारा शहर है वो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा नज़ारा महसूस कर सकते देख सकते हैं। ये जो इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ नज़ारा ये वो इधर मेकलोटगंज वो शहर है वो इधर की साइड में बसा हुआ है, ये इधर की पहाड़ी के साइड में जैसा कि जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये इधर की साइड में वो सारा का सारा शहर है वो यहाँ से लेकर देख सकते हैं आप। और अगर मैं यहाँ पर जो देख रहे ये नज़ारा पर यहाँ पर जाने के लिए अगर बात करूँ तो तकरीबन सड़क मार्ग से अगर जाएंगे तो हो जाएगा करीब लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी। ये जो शहर है ना ये देख रहे आप तो जाना इतना आसान नहीं है घाटियों के अंदर से। तो ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ शहर धर्मशाला से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर और सीधा अगर बात करूं तो पैदल आने के लिए तो तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी रहेगी। और ये इधर भी इस शहर का ही पार्ट है सारा का सारा। दोस्तों ये है वो रोप वे वाला सिस्टम, ये यहाँ से जा रहा है और इस दूसरी साइड की अगर बात करूं तो मैं
देख सकते हैं ये इधर से आ रहा है, तो इसका चार्ज है तकरीबन 500 रुपये। एक बार इधर से आप नीचे जा सकते हैं, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर नीचे की तरफ जाता है, और एक बार जा सकते हैं और एक बार आ सकते हैं। इसका चार्ज 500 रुपये है। इसके अंदर तकरीबन 4-5 लोग बैठ सकते हैं, और या फिर अकेला हो तो अकेला वसूल कर सकता है 500 रुपये, और अगर 4-5 है वो 4-5 वसूल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्ज 500 रुपये, एक बार जाएगा नीचे और एक बार आएगा। और इसी के बगल में जैसा कि ऊपर की तरफ ये देख सकते हैं आप, ये जो पहाड़ है इसमें वो बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ की चादर है वो बीच में, ये देख सकते हैं आप। इनकी दूरी करीब यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि 15-20 किलोमीटर की दूरी है। और ये इधर का नज़ारा है वो मैकलोडगंज का है, जो आप देख सकते हैं इधर। देखने में इधर से बिल्डिंग है वो कम नज़र आ रही है, लेकिन पहाड़ों के बीच में से अगर हम चलकर अगर देखें तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। ये सारा का सारा शहर है वो तिब्बतियों के द्वारा बसाया हुआ शहर है, जो तिब्बती शरणार्थी है उनका वो बसाया हुआ शहर है। और इधर का जो इलाका है वो भी इसका मिलता जुलता इलाका है। और ये नीचे का एरिया है वो कुछ घर बसी हुई है। बाकी अगर बात करूँ तो मैं धर्मशाला से लेकर इधर मैकलोडगंज तक, मतलब पहाड़ों के बीच में ऊपर के जो पहाड़ है इधर की साइड में भी कुछ घर है वो दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर ये नज़ारा है इधर का। ये फिर से आ चुका है इधर से, तो दोस्तों ये मैंने आपको नज़ारा दिखाया है मैकलोडगंज के दलाई लामा मंदिर परिसर का। और कैसा लगा वीडियो आपको? ये सारा का सारा नज़ारा है वो धर्मशाला से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी का है, ऊपर पहाड़ी के भाग का है, जो यहाँ पर ये तिब्बती लोगों ने बसाया हुआ अपना एक अलग इलाका है, उसका ये नज़ारा है। कैसा लगा अपनी राय और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। दलाई लामा जो है तिब्बती धर्मगुरु 1959 के अंदर भारत आए थे, और बच्चे यहीं पर वो रह रहे हैं इसी शहर के अंदर,